एक ऐसा वाटर सैंपल जिसकी हार्डनेस हमें पता हो, क्या दिए हुए जियोलाइट सॉफ्टनर से हम उसको सॉफ्ट कर पाएंगे? और अगर हम सॉफ्ट कर रहे हैं तो उस वाटर का जिसकी हार्डनेस हमें पता है उसका कितना वॉल्यूम हम दिए हुए जियोलाइट सॉफ्टनर से सॉफ्ट कर पाएंगे? आई अंजलि सक्सेना वेलकम यू ऑल। डियर लर्नर्स, अपनी लास्ट वीडियोस में हमने समझा जियोलाइट क्या होता है और किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, मींस जियोलाइट के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, हमें ये पता होना चाहिए जियोलाइट किस तरीके से वर्क करता है या उसका क्या प्रिंसिपल है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। जियोलाइट प्रोसेस से वाटर की हार्डनेस कैलकुलेट किस तरीके से 3 स्टेप में की जा सकती है, ये भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में समझाया है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। बट आज के न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा जियोलाइट को रिकॉल करना ही होगा। ये एक हार्ड वाटर इनलेट है जहाँ से हार्ड वाटर की सप्लाई होती है और ये इस जियोलाइट बेड के थ्रू पास होता है। जब ये पास होता है तो यहाँ से वहाँ आने के बाद हमें सॉफ्ट वाटर मिलता है। एक कंडीशन ऐसी आती है जब ये एग्जॉस्ट हो जाता है। एग्जॉस्ट मीन्स नाउ इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर फर्दर रीजनरेशन ऑफ वाटर। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जियोलाइट जिसका फॉर्मूला होता है Na2O Al2O3 XSiO2 .YH2O, जहाँ X की वैल्यू 2 से 6 तक कुछ भी हो सकती है और Y की वैल्यू 2 से 10 तक कुछ भी हो सकती है। रिएक्शन को इजीली लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे Na2ZE से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यही वो सोडियम आयन है जो हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट्स के साथ एक्सचेंज होते हैं। इसको इस तरीके से समझते हैं, कोई भी एक हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर मीन्स एक ऐसा वाटर जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम या दोनों के सॉल्ट्स अवेलेबल हैं। दोनों के सॉल्ट्स अवेलेबल होने के कारण ये हार्डनेस शो करता है, यानी कि ये सोप के साथ लादर फॉर्मेशन नहीं देता है। तो जब इस तरीके के वाटर को एक जियोलाइट बेड से के थ्रू पास कराया जाएगा, जियोलाइट बेड यानी कि एक ऐसा बेड जिसमें कि हम Na2ZE से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ से जो वाटर निकलता है दैट कम्स इन फॉर्म ऑफ सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर यानी कि जिसमें हार्डनेस नहीं है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो सोडियम आयन है ये इन कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन के साथ एक्सचेंज होते हैं, तो जो हमारा सॉफ्ट वाटर है उसमें सोडियम के सॉल्ट्स डिजॉल्व हो जाते हैं और इन रिटर्न ये जो जियोलाइट है, सोडियम जियोलाइट, ये खुद कैल्शियम या मैग्नीशियम जियोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब सारा सोडियम खत्म हो जाएगा और ये खुद कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आने वाले पानी को सॉफ्ट नहीं किया जा सकता। उस कंडीशन को ही हम बोलते हैं एग्जॉस्टेड। अब नीड होगी कि हम इसको रीजनरेट करें, तभी हमारा सॉफ्टनर आगे वर्क कर पाएगा। तो जो सॉफ्टनिंग की जाती है दैट इज डन बाय ब्राइन सॉल्यूशन, जैसा कि हम अपने पहले भी समझ चुके हैं। ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं हम 10% NaCl सॉल्यूशन को। इन जनरल हम कह सकते हैं कि हम NaCl का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इस पर अप्लाई करेंगे। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ से हार्ड वाटर की सप्लाई रोक दी, ये सॉफ्ट वाटर यहाँ से निकाल लिया जाएगा बाहर। इंजेक्टर की हेल्प से ये ब्राइन सॉल्यूशन यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। अप्लाई करने के बाद रिएक्शंस होंगी जो आपको प्रिंसिपल में समझाई जा चुकी हैं, जिससे कि ये फिर से रीजनरेट हो जाएगा, या इसको इस तरीके से समझें ये वापस सोडियम जियोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर को सॉफ्ट करने के लिए अब अवेलेबल है। तो आज हमें ये कहा हुआ है कि ये जो पानी है इसकी हार्डनेस मुझे पता है, ये जो हार्ड वाटर है इसकी हार्डनेस मुझे दी हुई है। अब हार्डनेस मुझे पता है, मुझे पता है कितनी ब्राइन सॉल्यूशन इस पे लगा है इसको रीजनरेट करने के लिए, तो इस सैंपल ने टोटल कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर सॉफ्ट करा होगा, यही मेरा आज का सवाल है, जिसको मैं 3 स्टेप्स में समझ सकती हूँ। तो सबसे पहले मुझे ये निकालना होगा कि टोटल NaCl कितना लगा। जितना NaCl लगा होगा यानी कि जितने कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन रिमूव हुए होंगे दैट विल बी इक्विवेलेंट। इस ब्राइन सॉल्यूशन ने ये कैल्शियम और मैग्नीशियम को ही रिमूव किया है, तो जितना NaCl लगा मेरे सैंपल में उतना ही कैल्शियम और मैग्नीशियम होगा, यानी कि उतनी ही हार्डनेस रही होगी।
तो टोटल ब्राइन सॉल्यूशन जो लगा उसको मैं कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लूँगी। दैट विल बी माय सेकंड स्टेप, जिससे कि मुझे पता पड़ जाएगा कि मेरे जियोलाइट सॉफ्टनर ने टोटल हार्डनेस कितनी दूर करी है। अब मेरे एक लीटर की हार्डनेस तो इतनी रही होगी और जियोलाइट ने टोटल इतनी हार्डनेस दूर करी है, तो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई किया गया होगा। इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं। आपको स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा हुआ है अ जियोलाइट सॉफ्टनर वॉज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड एंड रीजनरेटेड बाय पासिंग 200 लीटर्स ऑफ NaCl सॉल्यूशन कंटेनिंग 100 ग्राम पर लीटर ऑफ NaCl। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अ सैंपल ऑफ वाटर ऑफ हार्डनेस 500 ppm कैन बी सॉफ्टेंड बाय दिस सॉफ्टनर। मीन्स NaCl कितना लगा हमें ये पता है, और हमें पता है हार्डनेस कितनी है, तो इस सॉफ्टनर से कितना वॉल्यूम सॉफ्ट किया जा सकेगा। देखते हैं हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। हमें दिया हुआ है एक जियोलाइट सॉफ्टनर है जो कि एग्जॉस्टेड फॉर्म में है, जिसको रीजनरेट करने के लिए 200 लीटर्स ऑफ NaCl सॉल्यूशन लगे हैं। तो पहली चीज जो हमें दी हुई है दैट इज वॉल्यूम ऑफ NaCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, इस एग्जॉस्टेड को रीजनरेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड है दैट इज 200 लीटर्स। नाउ सेकेंडली हमें दिया हुआ है अमाउंट ऑफ NaCl एक लीटर में कितना है, अमाउंट ऑफ NaCl सॉल्ट या NaCl की जो कंसेंट्रेशन है दैट इज 100 ग्राम्स पर लीटर। थर्ड पॉइंट विच इज गिवन टू अस हार्डनेस ऑफ वाटर, जो सैंपल वाटर सैंपल इस सॉफ्टनर से सॉफ्ट कराया गया उसकी हार्डनेस क्या है, हार्डनेस ऑफ वाटर इज 500 ppm। नाउ व्हाट इज आस्क्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल। ये हमसे पूछा हुआ है। तो जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले स्टेप वन में हम ये कैलकुलेट करने वाले हैं अमाउंट ऑफ NaCl रिक्वायर्ड कितना है, और ये हम कैलकुलेट करेंगे मिलीग्राम से। तो अमाउंट ऑफ NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन ये है हमारा 200, ये है 100 ग्राम्स, ये मिलीग्राम में होगा, 100 × 10³ मिलीग्राम। नाउ वॉल्यूम ऑफ NaCl जो भी रिक्वायर्ड है दैट इज 200 लीटर्स। नाउ व्हाट अमाउंट ऑफ NaCl इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, हमें बताया कि एक लीटर में तो इतना है और ऐसे 200 लीटर सॉल्यूशन लगे हैं, तो अमाउंट ऑफ NaCl रिक्वायर्ड विल बी 100 × 10³ × 200। दिस विल बी द आंसर इन मिलीग्राम पर लीटर। तो ये हमारा आ जाएगा 2 × 10⁷ मिलीग्राम पर लीटर। तो हमने ये निकाल लिया अपने स्टेप वन में कि व्हाट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ NaCl रिक्वायर्ड। तो इतना NaCl रिक्वायर्ड है कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिमूव करने के लिए, यानी कि ये हार्डनेस रही होगी। तो इसमें हम देखते हैं अपना स्टेप टू। स्टेप टू में हम इस अमाउंट को CaCO3 इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो CaCO3 इक्विवेलेंट ऑफ NaCl, इसका क्या फॉर्मूला होता है, कैसे निकाला जाता है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ सॉल्ट, यानी कि जो आज हमारी है 2 × 10⁷ इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जिसका मास निकल के आएगा 100, कैल्शियम की वैलेंसी 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। डिवाइड करेंगे हम इसको इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट जो हमारा है NaCl, तो NaCl का मास है हमारा 58.5, सोडियम की वैलेंसी +1 से हम अगर डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। तो ये हमारा निकल के आएगा 1.71 × 10⁷
मिलीग्राम पर लीटर। तो ये वो हार्डनेस है जो मेरे जियोलाइट सॉफ्टनर ने दूर की है। हम जानते हैं 1 मिलीग्राम पर लीटर इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 parts per million। दीज आर द यूनिट्स ऑफ हार्डनेस। हम जानते हैं यूनिट 4 यूनिट होती है हार्डनेस की, मिलीग्राम पर लीटर, पार्ट्स पर मिलियन, डिग्री क्लार्क, डिग्री फ्रेंच, जिनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब देखते हैं हम थर्ड स्टेप। हमसे कहा है कि हमने पानी की सैंपल तो हमारी 500 ppm थी, और हमने हमारे इस तरीके के सैंपल से का कितना वॉल्यूम इस सॉफ्टनर से दूर किया जा चुके जा सकेगा। तो हमने ये तो निकाल लिया कि हमारे सॉफ्टनर ने कितनी हार्डनेस दूर करी है, और हमें ये पता है कि हमारे सैंपल के 1 लीटर में 500 ppm या 500 पार्ट्स पर मिलियन हार्डनेस है। तो टोटल कितना वॉल्यूम सॉफ्ट किया जा सकेगा, यही हम स्टेप 3 में देखते हैं। तो स्टेप 3 क्या होगा हमारा? स्टेप 3 होगा हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि 1 लीटर की कितनी हार्डनेस है। हार्डनेस ऑफ वाटर विल इक्वल्स टू टोटल हार्डनेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल सॉफ्टेंड या सप्लाइड। वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल सप्लाइड टू दिस सॉफ्टनर। तो हमें पता है हमारे हार्डनेस तो है 500 ppm। टोटल हार्डनेस मेरे सॉफ्टनर ने जो दूर की है वो है 1.71 × 10⁻⁷ पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं, या फिर हम इसे मिलीग्राम पर लीटर कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना सप्लाई किया गया है ये हमें पता नहीं है। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1.71 × 10⁻⁷ अपॉन 500। तो दिस आंसर विल बी 0.0342 × 10⁷ लीटर्स, या फिर हम दूसरे वर्ड में इसको कह सकते हैं 342 × 10³ लीटर्स। सो दिस इज द आंसर। एक ऐसा वाटर सैंपल जिसकी हार्डनेस 500 ppm रही हो, जो हमें सॉफ्टनर दिया गया है उससे हम इतना पानी उसका सॉफ्ट कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।